कोरोना वायरस महामारी पिछले साल से हमारे बीच है और इस महामारी ने जहां काफी संख्या में लोगों की जान ले ली है तो वहीं काफी संख्या में लोग इस बीमारी का शिकार भी हुए हैं। ऐसे में इस बीमारी को रोकने के लिए भारत भी अपने टीकाकरण अभियान की शुरुआत 16 जनवरी से करने जा रहा है। ऐसे में एक सर्वे सामने आया है जिसके मुताबिक जहां एक तरफ काफी संख्या में लोग वैक्सीन लगवाने के लिए उत्सुक हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग मुफ्त टीका भी चाहते हैं। तो चलिए जानते हैं आखिर ये सर्वे क्या कहता है और कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में क्या सवाल है। दरअसल यू गवर्नमेंट की एक सर्वे रिपोर्ट सामने आई है, इसके मुताबिक भारत के 68% लोग वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार है, जबकि 24% लोग इस बारे में अभी अनिश्चित है और 8% लोग कोरोना का टीका लगाने के लिए तैयार नहीं है। वहीं सर्वे में ये भी बात सामने आई है कि कितने लोगों को स्वदेशी वैक्सीन पर भरोसा है। इस सर्वे के मुताबिक भारत की आधे से ज्यादा आबादी ने यानी 55% लोगों ने कहा कि वो ब्रिटेन, रूस या अमेरिका की जगह भारत में बने टीके पर ज्यादा भरोसा करते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें वैक्सीन पर पूर्ण भरोसा नहीं है, वो इस पर पहले समीक्षा करना चाहते हैं। यही नहीं, काफी संख्या में लोग ये भी चाहते हैं कि उन्हें कोरोना का टीका मुफ्त में लगे और उन्हें इसके लिए एक भी पैसा ना देना पड़े। सर्वे के अनुसार जिन लोगों को इस सर्वे में शामिल किया गया है उसमें से आधे यानी 50% लोग चाहते हैं कि सरकार ये व्यवस्था करे कि उन्हें कोरोना वैक्सीन मुफ्त में लगे। वहीं 36% लोगों का कहना है कि जो बुजुर्ग हैं, गरीब हैं या गंभीर रूप से बीमार हैं, उन्हें ये टीका फ्री में देना चाहिए। 14% लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि जो लोग टीका लगवाने की इच्छा रखें वो टीके के लिए भुगतान करें। सर्वे में जब ये पूछा गया कि किन लोगों को ये वैक्सीन पहले लगनी चाहिए तो काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोगों ने कहा कि पहले जिन्हें ज़्यादा दिक्कत है, बुजुर्गों समेत फ्रंटलाइन वर्कर्स व इमरजेंसी सर्विस वाले लोगों को पहले कोरोना वैक्सीन लगनी चाहिए। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश विदेश से जुड़ी अन्य खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।